अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब खाकान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। जैसा कि हमने इस्लामियात के साथ लेक्चर्स किए थे, जिसमें हमने काफ़ी हद तक इस्लामियात के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो FPSC, PPSC और NTSC और दूसरे वन पेपर्स जो होते हैं उसमें जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा इस्लामियात का ये 8वां लेक्चर होगा। आई होप कि आपको वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आज हम मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हमें बताएं और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी जो अपडेटेड वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहें। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आलमोस्ट हमने 800 तक कम्प्लीट कर लिए थे, तो आज चलते हैं नेक्स्ट 801। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज़ द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खतीजा बिन्त खवैलिद। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग रुकू। रुकू के जो होता है, रुकू से ड्यूरिंग स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग रुकू, उसे कॉमा बोलते हैं। जब आप रुकू कर लेते हैं, रुकू के बाद जब आप खड़ा होते हैं तो उसे कॉमा बोलते हैं। विच टू प्रेयर्स आर ऑफर टू गैदर एट मुजालफा ऑन द 9th ज़िलहज। 9 ज़िलहज को मुजालफा में जो इकट्ठी नमाजें पढ़ी जाती हैं वो मगरिब और इशा की पढ़ी जाती है। हु अर्ज हज़रत आदम टू टेस्ट प्रोहिबिटेड ट्री। किसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उकसाया कि वो उस दरख्त के पास जाएं जिससे मना किया गया था? इब्लीस, शैतान ने। विच कैलिफॉर्म्ड ए पार्लियामेंट नेमली मजलिस आम हज़रत उमर। तकबीर तशरीक इज़ रिसाइटेड इन ईद उल अज़ा। तकबीर तशरीक जो है वो ईद उल अज़ा में पढ़ी जाती है। वट इज़ द नेम ऑफ 24th पारा ऑफ द होली कुरान फमान अज़लम। और 25th पारे का जो स्टार्ट होता है वो होता है इलाही युरुद्दू। और 26th हामीम। इसी तरह 27, 28, 29 और 30 जो है ये पारे जो स्टार्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज 815। द शॉर्ट पीरियड बिटवीन टू सजदा इज कॉल्ड जलसा। दो सजदों के दरमियान जो तशहुद की हालत में बैठा जाता है उसे जलसा बोलते हैं। और कॉमा किसे बोलते हैं? जब आप रुकू से खड़े होते हैं और दो सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है, जो शॉर्ट पीरियड होता है बिटवीन टू सजदा, उसे जलसा बोलते हैं। टू सिट स्ट्रेट इन सलात इज कॉल्ड कादा। कायदा, जो नमाज की हालत में सीधा बैठा जाता है उसे कायदा बोलते हैं। हाउ मैनी डेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड ड्यूरिंग तबूक बैठक। 20 दिन स्टे किया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक में। अपोस्टेसी मूवमेंट टुक प्लेस इन द खिलाफत ऑफ हज़रत अबू बकर। हाउ मैनी अहदीस डज द सही बुखारी कंटेन। सही बुखारी में 7275 हदीस जो हैं वो दी गई हैं। 7275 हदीस सही बुखारी में मेंशन है। नेम द फर्स्ट अथॉरिटी फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अहदीस इमाम मालिक। सबसे पहले जो है जिन्होंने हदीसों को इकट्ठा किया वो इमाम मालिक हैं। वट इज़ द नेम ऑफ द सूरा डैट वॉज लॉस्ट रिवीड ऑन द कुरान सूरत नसर। जो आखिर में नाजिल हुई वो कौन सी है? सूरतुल नसर। वैन हज़रत इमाम शाफी वॉज बॉर्न इन गज़ा 150 हिजरी। हज़रत इमाम शाफी डाइड 204 हिजरी मिस्र में, इजिप्ट। फतवा काजी खान इज़ द अथेंटिक फतवा ऑफ विच सेक्ट। किस फ़िरके का जो फतवा है, फतवा काजी खान का अथेंटिक माना जाता है? फ़िरका हनफिया का। नेम द प्रॉफिट हु वाज़ द फर्स्ट मैन टू राइट हज़रत इत्रीस। सबसे पहले जिस पैगंबर को लिखना सिखाया गया वो हज़रत इत्रीस अलैहिस्सलाम है। इन विच हिजरी गज़वा खैबर वाज फॉट।
7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर जो है वो लड़ी गई। मुजद्दिद अलिफसानी इज़ टाइटल ऑफ शेख अहमद सिरहिंदी। मुजद्दिद अलिफसानी जो है वो शेख अहमद सिरहिंदी का लकब है। व्हेन डिड हज़रत हमज़ा इम्प्रेस्ड इस्लाम? 5th नबी में हज़रत हमज़ा ने नबूवत के 5वें साल जो है वो इस्लाम को कबूल किया। विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24 सितंबर 622 ईस्वी इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ही माइग्रेटेड टू मदीना। व्हेन हिजरा स्टार्टेड? 12th ऑफ द रबीउल अव्वल ऑफ द 13th ईयर ऑफ नबूवत। नबूवत के 13वें साल 12 रबीउल अव्वल को हिजरा जो है वो स्टार्ट हुआ। व्हेन वाज द किबला चेंज? 2 हिजरी 2nd हिजरी 2nd हिजरी में किबला चेंज होने का हुक्म दिया गया। हाउ मैनी इसेंशियल बिलीफ आर देयर इन इमाम मुफस्सल? इमाम मुफस्सल के 7 हिस्से हैं। इसेंशियल जो अहम है बिलीफ आर देयर इन द इमाम मुफस्सल 7। हाउ मैनी मुहाजरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मवाखात? मवाखात के मौके पर मुहाजरीन की तादाद 45 थी। वट इज़ अशर? अशर होता है 1/10 प्रोड्यूसर है। जो ज़रात का 10वां हिस्सा होता है उसे उशर बोलते हैं। ज़रात का 10वें हिस्से का उशर बोला जाता है। बोट ऑफ हज़रत नू इज़ कॉल्ड आर्क? जो हज़रत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती है उसे आर्क बोला जाता है। वाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम्स? होम्स का मतलब होता है 1/5 5वां हिस्सा। वट वाज द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ चार्टर ऑफ मदीना? चार्टर ऑफ मदीना के 47 क्लासेस जो थे वो दिए गए हैं। हु इज़ कॉल्ड साकिए जमजम? हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास अलमदार को साकिए जमजम बोला जाता है। हु इज़ कॉल्ड मालिकुल तिजारत? हज़रत उस्मान गनी को मालिकुल तिजारत कहा जाता है। सुलह हदीबिया इज़ कॉल्ड फ़तहुल मुबीन इस सूरा अल फातह? सूरह फातह को सूरत मुबीन भी कहा जाता है। शी वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला ट्रेजेडी। नेम हर हज़रत उम्मे सलमा। हज़रत उम्मे सलमा करबला के मौके पर ज़िंदा थी। द हाइट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज 90 फीट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो 90 फुट थी। द टॉम्ब ऑफ हज़रत अबू अयूब अल अंसारी इज़ सिचुएटेड एट इस्तंबुल। हज़रत अबू अयूब अंसारी की जो कब्र है, जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो कहाँ पे है? इस्तंबुल में। हाउ मैनी टाइम्स डज द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम इन द कुरान? कुरान पाक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 मरतबा आया है। द मॉस्क ऑफ प्रॉफिट वॉज डैमेज ड्यू टू फायर इन द रेन ऑफ मुतासिम बिल्लाह? जो फायर की वजह से डैमेज हुई थी मॉस्क उसे मुतासिम बिल्ला कहा जाता है। वट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ मुतासिम बिल्ला? अबू इसहाक मोहम्मद इब्ने हारुनुर रशीद। द पीरियड ऑफ रिजन ऑफ अबू इसहाक मोहम्मद इब्ने हारुन रशीद इज़ फ्राम 833 से 842 लेके 842 तक इसका ड्यूरेशन था। ऑन द सजेशन ऑफ होम होली प्रॉफिट रिलीज द प्रिजनर ऑफ ग़ज़वे बदर? हज़रत अबू बकर। बगदाद सिटी वॉज इस्टेब्लिश एज कैपिटल अब्बासी डायनेस्टी बाय अल मंसूर। बगदाद सिटी जो कैपिटल बनाया गया वो अल मंसूर के दौर में बनाया गया। हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमा वॉज इस्टेब्लिश बाय हारून। हारून ने बैतुल हिकमा बनाया था। हाउ मैनी वावल्स डज अरेबिक लैंग्वेज हैव? अरेबिक में 3 जो वावल हरूफ हैं वो 3 किस्म के हैं। हु इज़ नोन एज सैदन ऑफ मक्का? हज़रत उस्मान बिन अबू तलहा की होल्डर ऑफ काबा। इसे की होल्डर ऑफ काबा भी बोला जाता है। विच डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर फर्स्ट इंगेज विद द 2 सन्स ऑफ अबू लहब? हज़रत रुकिया एंड हज़रत उम्मे कलसूम। हु मर्टर्ड अब्दुल्ला बिन जुबैर?
हजाज बिन यूसुफ। द मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन 711 ईस्वी, हु वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम कैलिफ ऑफ स्पेन, अब्दुल रहमान अद-दाखिल। द उमैया कैलिफ वाज ओवरथ्रोन इन 751 ईस्वी बाय अब्बासी आफ्टर द बैटल ऑफ ज़ा। हु इज रेनोन्ड बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम, मिचेल एच हॉट। थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फिका इज जिमा, इजमा। इजमा जो है वो थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फिका है। जामिया मस्जिद दमश्क वाज बिल्ट बाय वलीद वन, जो दमश्क में जामिया मस्जिद है वो वलीद वन ने तामीर की। आयतल कुर्सी इज वर्सेस नंबर ऑफ द सूरह बकरा इज 255। आयतल कुर्सी जो है वो सूरह बकरा की 255वीं आयात है। सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह इज नोन एज तहमीद, तहमीद इसे बोल जाता है, तमहीद भी बोलते हैं, तहमीद भी बोलते हैं। अयूब कॉन्क्वर्ड बैतुल मुकद्दस, सलाउद्दीन अयूब जो है वो उसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। ग्रैंड मॉस्क एट दमश्क वाज बिल्ट बाय वलीद बिन अब्दुल मालिक, अबू उबैदा बिन जरा वाज द कॉन्क्वर ऑफ यरमूक। हाउ मैनी ईयर्स डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? 23 ईयर्स, 23 साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग करते रहे। विच प्रॉफिट इन्वेंटेड सोप? हजरत सालेह अलैहि सलाम ने सबसे पहले साबुन को ईजाद किया। बर्ड हुदहुद जिसे वुड पिकर भी बोलते हैं इज मेंशन इन कुरान सूरह नमल, सूरह नमल में हुदहुद का जिक्र आया है। बीबी बल्कीस वाज द रूलर ऑफ यमन, यमन की हुक्मरान थी, बीबी बल्कीस जो है वो यमन की हुक्मरान थी। बर्ड हुदहुद टोल्ड हज़रत सुलेमान डैट क्वीन बल्कीस एंड हर फॉलोअर्स हैड बिन वर्शिपिंग सन, हुदहुद ने हज़रत सुलेमान को बताया था कि बल्कीस और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो सूरज की पूजा करते हैं। विच सहाबी वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब? हज़रत अमर बिन अल आस को ब्रेन ऑफ अरब बोला जाता था। कारून वाज द ट्रेयर, ही वाज इन द रेन ऑफ रिजन ऑफ प्रॉफिट मूसा। कारून जो है वो खजांची था हज़रत मूसा के दौर में। कॉम वाज इन्वेंटेड बाय प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हाउ मैनी स्वॉर्ड वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद इन द बैटल ऑफ मोता? 9। बैतुल हिकमत वाज ए ट्रांसलेशन बैरो, बैतुल हिकमत जो है वो ट्रांसलेशन सेंटर था। अफसलुल बशर इज द टाइटल ऑफ हजरत अबू बकर। हु इंट्रोड्यूस पुलिस सिस्टम? हजरत उमर ने पुलिस के निज़ाम को कायम किया। मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड फॉर नमाज बा जमात, कम से कम 2 बंदे को होने ज़रूरी है बा जमात नमाज के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड ए टोटल ऑफ 4 उमराज, हज़रत पैगंबर सल्लम ने 4 उमरा किए और 1 हज किया था। मीनिंग ऑफ सूरह अल आराफ इज बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल, जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे अल आराफ बोला जाता है। बाय होम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्न सलात एंड एवोल्यूशन, हज़रत जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल ने हज़रत पैगंबर सल्लम को नमाज और वुज़ू के बारे में सिखाया, बताया। अल माइदा मीन्स द टेबल स्प्रेड विद फूड, अल माइदा का मतलब है ऐसा मेज जो खुराक से भरा हो। लियान इज ए क्लॉज ऑफ इस्लामिक लॉ। द वर्ड तकाफुल कम्स फ्रॉम द अरेबिक रूट वर्ड कफाला, ड्यूरिंग विच प्रेयर द चेंज ऑफ किबला हैपन्स, जोहर की नमाज के दौरान किबला जो है वो चेंज होने का हुक्म दिया गया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेबर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मॉस्क,
मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा में हज़रत सल्लम ने ख़ुद भी मेहनत की, लेबर, ख़ुद भी मजदूरी की। फैसमाइल ऑफ द होली प्रॉफिट वाज हज़रत मूसा बिन उमैर। विच सूरा ऑफ द होली कुरान रिवील ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। सूरह फातह जो है वो दो मरतबा नाज़िल हुई, मक्का में भी और मदीना में भी। द फर्स्ट नमाज जनाजा परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफ विच सहाबी। असद बिन जरारा, असद बिन जरारा सबसे पहले वो सहाबी थे जिस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। द डेड बॉडी ऑफ मुस्लिम मेल इज़ रैप्ड इन थ्री शेप शीट्स, फीमेल इज कन्फाइंड इन द हाउ मैनी शीट्स, फाइव शीट। जो मुसलमान मर्द होता है वो तीन शीटों में दफनाया जाता है, तीन कपड़ों में, और औरत जो है वो पांच कपड़ों में। द इन तौरात बाई विच नेम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड तैयब। हाउ मैनी ईयर्स हजरत अबू बकर वाज यंगर दैन द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? टू ईयर्स। ऑन हूज सजेशन द होली प्रॉफिट डिसाइडेड to release the prisoner of Badr war after taking ransom? Hazrat Abu Bakr, king of Egypt, sent who concubines as a gift of to Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maria and Sarin bin Shoman. Book named The Vice of Human Justice is biography of Hazrat Ali. हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो बायोग्राफी है वाइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज़ कॉल्ड थियोलॉजी। मुग़ल एम्पायर अकबर इन्फोर्स्ड दीन इलाही इन 1582, 1882 में अकबर ने दीन इलाही जो है वो इन्फोर्स किया था। नेम द वाइफ ऑफ हारून रशीद हु वाज द मदर ऑफ अल अमीन एंड अल हारून ज़ुबैदा। When did Imam Abu Hanifa born? 80 Hijri and Abu Hanifa die 150 Hijri. 80 Hijri में पैदा हुए और 150 Hijri में वफात पा गए। The book Kitabul is written by Imam Shafi. ये थे हमारे 900 आज मुकम्मल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम उसके बारे में मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।